अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूँ आप तमाम व्यूअर्स को जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल में। जिन्हें जमशेद एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप तमाम व्यूअर्स जानते हैं कि हम एक इन्फॉर्मेटिव चैनल लेके चल रहे हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों की खिदमत में पेश करते हैं। तो आज इसी तरीके से हम सैर व तफरी करने निकले हैं। हब डैम का हम विज़िट करेंगे, वहाँ पे थोड़ी सी आउटिंग करेंगे, कुकिंग करेंगे। इसके साथ साथ आपको यहाँ के जो ट्रैवलिंग वो है, हम वो भी दिखाएंगे, रास्ते यानी कि जहाँ जहाँ से हम गुजर रहे हैं क्या सूरत हाल है डैम की। काफ़ी बारिश के बाद काफ़ी अच्छे नज़ारे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी हरियाली है। इसके साथ साथ थोड़ी सी फ़िशिंग भी करेंगे, तो थोड़ा सा इन्जॉयमेंट है आज आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आएगी, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, हमारे साथ मीर साहब भी, इनसे बात कर रहे थे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्लाह का करम है। तो ये बताएँ कि आज सैर व तफरी करने निकले हैं जी, तो क्या दिमाग में लेके निकले, क्या मोटिव है आज का? बस आज बहुत अच्छा लग रहा है, आज फारिग थे, मैंने कहा चलो आज पिकनिक बना लेते हैं। टेम पे आए हुए हैं, मैं हूँ, जो जमशेद भाई हैं, तौफीक भाई हैं और चाचा भी हैं। अच्छा। और छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, आज बहुत मज़ा आएगा। टर्की मुर्गी भी साथ में है। अच्छा, टर्की मुर्गी को भी घुमाएंगे जी? घुमाने के बाद पेट में आज उसको पकाएंगे इंशाल्लाह, शिकार भी करेंगे मच्छी का, आज बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा जी, तो तौसीफ भाई के भी नज़रियात ले लेते हैं जी। तौसीफ भाई, ये बताएं कि आज आउटिंग पे जा रहे हैं तो क्या पोजीशन है, माइंड में क्या लेके चल रहे हैं? बहुत एंजॉय करना है, बहुत सारा एंजॉय करना है, फिशिंग वगैरह करनी है। फिशिंग की है इससे पहले? पहले की है फिशिंग। फिशिंग की है, मछलियाँ लेके जाएंगे यहाँ से, खरीद के ले जाएंगे घर। तो व्यूअर्स, ये एक हमारे बहुत पुराने साथी हैं, ये हमारे साथ शिकार पे आते थे, तो इनसे थोड़ी सी राय ले लेते हैं। जी जनाब, आजकल डैम में शिकार हो रहे हैं? डैम में शिकार हर पूरे साल होता है, करने वाले शिकार कर रहे हैं और करते रहते हैं। आज हम भी अपनी तवा आजमाई करेंगे, देखते हैं हम कितना शिकार करते हैं। मछलियाँ शिकार करने वाले चाहिए, उम्मीद अच्छी होनी चाहिए। उम्मीद अच्छी है, उम्मीद अच्छी लेकर आए हैं और थोड़ी तफरी भी होगी और शिकार भी करेंगे। बच्चों को लेकर आए हैं इसीलिए कि इनको भी ज़रा डैम का नज़ारा करा दें, कि हमारे कराची में भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ के आप देखें, जो हमारे बच्चे दूसरी जगह की तमन्ना करते हैं कि साफ सवात में ऐसा है वैसा है। हमारा कराची में भी है, लेकिन यहाँ पे कोई मतलब और इसका हम इनको घुमाते ही नहीं है, इनको ला के दिखाते नहीं कि नज़ारे देखें आप। आज आए हैं इन बच्चों के लिए, देखते हैं बच्चे कैसा इन्जॉय करते हैं। हम आए हैं तो पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है। मछलियाँ बेताब हैं हमारे लिए या सिर्फ हम ही बेताब हैं? वैसे तो पहले हम लोग भी आते थे शिकार पे, लेकिन जब से बर्ड्स मार्केट वगैरह का रूटीन होता है हमारा, काफ़ी हार्ड वर्क हो जाता है तो आना नहीं होता। तो आज ज़रा सैर व तफरी करेंगे, देखेंगे कि आज यहाँ पे क्या सूरत है, काफ़ी टाइम के बाद आए। तो व्यूअर्स, अब आपको यहाँ के होटल के नज़ारा दिखा देते हैं। यहाँ पर अक्सर शिकारी स्टे करते हैं, जब वो शिकार पर जा रहे होते हैं तो बीच में ये होटल पड़ते हैं, ये दो तीन होटल हैं लाइन से, तो यहाँ पे शिकारी स्टे करते हैं, टी वगैरह पीते हैं, जैसे कि चाय वगैरह आप लोग देख रहे हैं पीते हैं। अस्सलामुअलैकुम। खैर से? तो ये बताएं कि शिकार करने आए? पिकनिक के लिए आए। पिकनिक के लिए आए, तो यहाँ पे स्टे करते हैं आप लोग, चाय वगैरह पीते हैं जी? हाँ। अच्छा, इन्जॉय कर रहे हैं? कहाँ डैम गए अभी? हाँ, डैम गया है, आप डैम गया है, मछली भी पकड़ रहे थे हमारे दोस्त ने कुछ। अच्छा, तो आप लोग चाय पीने आए, इंटरवल करके आए, यानी ब्रेक करने के लिए आए यहाँ पे? ब्रेक करने के लिए। चलें देखते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे ये तंदूर है जहाँ पे रोटियाँ पकाई जा रही हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये लोग रोटियाँ पका रहे हैं और इस तरीके से इस तंदूर में रोटियाँ पकती हैं, शहर का ही स्टाइल है टोटल। यहाँ पे फर्दर मूव करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग बैठे हुए हैं, इसके अलावा काउंटर है और ये कोल्ड ड्रिंक की साइट है, इसके अलावा एक शॉप भी मौजूद है। काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि ये जंगल में तो सिर्फ ज़्यादातर शिकारियों का गुजर होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, ये लोग बड़े मसरूफ़ बैठे हुए हैं, बुक शॉप कर रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं, मसरूफियात इनकी क्या चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो इन्जॉय करने आए यहाँ पे हैं शिकार? तो शिकार विकार करने आए या यहाँ पे जाइसी है? डैम देखने आए थे, पानी कितना आया हम लोग के पास, बड़ा बड़ा पानी का बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो पानी देखने आए थे, शिकार विकार करने नहीं आए? अच्छा, फिर पिकनिक वगैरह बनाने आए यहाँ पे? पिकनिक बनाया, चाय पिया, बोतल बशल रहे, पियो बेटा। नहीं नहीं, बस ना, थैंक यू। तो व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं आज गाड़ियों का जो रश है वो बढ़ गया है इस रोड पर, लोग काफ़ी लोग सैर व तफरी के लिए आ रहे हैं।
काफ़ी लोग सैर व तफरी के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग शिकार करने आ रहे हैं, तो यहाँ पे लोग तफरी करने आते हैं, डैम की तरफ पानी देखने आते हैं। इसके अलावा लोग काफ़ी लोग यहाँ पे एक अच्छा सा व्यू है, काफ़ी हरियाली है बारिशों के बाद, तो डैम की तरफ विज़िट करते हैं, पिकनिक मनाते हैं। काफ़ी लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिंग सिंग में भी लोग आ रहे हैं, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो ये आप प्राइवेट लेकर आएँ या कोई रूटीन है इसका यहाँ पर आने का? रूटीन है इसका। रूटीन है, तो रूट क्या बनता है इसका, कहाँ से लेकर आते हैं? नूरा होटल से आते हैं, हम चौकी से आते हैं। तो यहाँ पे कहाँ तक छोड़ते हैं? इधर चौक छोड़ के वही वापस ही लेके जाते हैं। अच्छा, तो अच्छा ये छोड़ के भी जाते हैं, लेके भी जाते हैं। तो ये बताएं, ये फ़ी बंदा लेते हैं 900 रुपये? नहीं, फिर जितने बंदे होते हैं बुकिंग पे लेते। बुकिंग पे जाते हैं, यानी पूरी गाड़ी का किराया 900 रुपये होता है। वो एक गाड़ी भर के आएगा बंदों के साथ और वो 900 रुपये लेंगे, छोड़ के भी जाएंगे और लेके भी जाएंगे। ठीक है, नूरिया होटल से। नूरा होटल से। तो व्यूवर्स, यहाँ पे ये लोकल चिमची भी चलती है। इन्होंने हमें बताया कि हब चौकी से नूरा होटल से ये आते हैं और यहाँ तक आते हैं, यानी कि ये जो पुश्ता है, पुश्ता आप लोगों को दिखा देते हैं, ये जो वॉल है इसके, इसको पुश्ते के नाम से जानते हैं लोग यहाँ पे इस जगह को। तो यहाँ तक ये लेकर आते हैं और ले कर भी जाते हैं। एक गाड़ी की बुकिंग होती है, ये 900 रुपये की बुकिंग होती है। इसमें जितने भी लोग आएँ वो पर हेड के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, कितने 6, 7 बंदे, 8 बंदे बैठ सकते हैं इसके अंदर। छः बंदे। तो ये 150 पर हेड के हिसाब से एवरेज बैठता है इसका, पूरी गाड़ी का इन्होंने एवरेज बताया कि 900 रुपये लेते हैं। ये बुकिंग की गाड़ी होती है, नूरिया होटल से आती है हब चौकी और यहाँ तक आती है पुश्ता, जो यहाँ पे जानी जाती है जगह। तो यहाँ पे आके ड्रॉप करते हैं और यहाँ से लेके भी जाते हैं, तो ये कन्वेंस यहाँ पे दी जा रही है। तो आइए अब चलते हैं रेस्ट हाउस और वहाँ की भी पोजिशन आपको दिखाते हैं। तो आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ कि आज के दिन सारे रेस्ट हाउस जो हैं वो फुल चल रहे हैं, तो इस वजह से जगह नहीं मिल पा रही है। तो हम एक साइट देखेंगे जहाँ पे हम कैंप कर सकें, सेफ साइट हो, थोड़ी सी कूल हो, क्योंकि काफ़ी गर्मी है आज।
तो व्यूवर्स, इस टाइम हम रेस्ट हाउस से आगे आ गए हैं और थोड़ा आपको वाटर की तरफ दिखाते हैं। तो ये है पानी का साइड और काफ़ी गर्मी है आज, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे कूल डाउन हो रहे हैं वाटर से। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है डैम में, तो आइए आगे चलते हैं और आपको विज़िट कराते हैं। तो अभी तो हम देख रहे हैं कि कई प्लेस मिल जाए जहाँ हम कैंप करें, थोड़ी सी बैठक करें, उसके बाद जाके हम यहाँ पे आउटिंग स्टार्ट करेंगे, फिशिंग करेंगे और खाना वाना पकाएंगे। तो लेट्स सी, आगे चलते हैं। तो व्यूवर्स, यहाँ पे जो हम इंजॉयमेंट कर रहे हैं आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि यहाँ बैक साइड पे वाटर है, यानी कि पानी है, फ्रेश वाटर है, मीठा पानी मौजूद है। और यहाँ पे एक पार्टी मौजूद है जो शिकार करने के लिए तैयार है, तो यहाँ पे हम शिकार का भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से शिकार करते हैं शिकारी लोग और क्या ट्रिक होती है इनकी, क्या टिप्स होती हैं। इसके साथ साथ जो भी हम इंजॉयमेंट करेंगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो अभी देख लेते हैं कि तौसीफ भाई कितने स्किल्ड हैं और कुक करते हैं इसको किस तरीके से। तो ये है इनका टर्की, यहाँ पे मौजूद है और इसकी दावत चोरी हाथ में दिखाओ। तो व्यूवर्स, यहाँ पे अब 2 बज गए हैं डैम में हमें, तो इसको तौसीफ भाई ज़िबा करेंगे और कुकिंग की तैयारी करेंगे। इसके अलावा जो पार्टी यहाँ पे शिकार के लिए मौजूद है तो वो शिकार के लिए वाटर साइड पर चली जाएगी, तो उसकी भी तैयारी करनी है, तो आपको अपडेट देते रहेंगे। तो लेट्स सी आगे क्या होता है, इन्जॉयमेंट किस तरीके से चलती है। तो व्यूवर्स, यहाँ पे टर्की को तैयार कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने ज़िबा कर दिया है इसको, कुकिंग के लिए तैयार हो गया है ये। अब कुकिंग करनी है, कुकिंग के बाद दीगर मसरूफियात देखेंगे, आउटिंग देखेंगे। तो इसको सबसे पहले कुकिंग कर लेते हैं, कुक कर लेते हैं इसको। तो व्यूवर्स, यहाँ पे हमने तौसीफ भाई से मालूम किया आज ये टर्की कढ़ाई पकाएंगे। तो बाकी अमल जो भी होता रहेगा आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो लेट्स सी आप कहाँ तक पहुँचते हैं, इसके बाद फिर आउटिंग करेंगे यानी कि फिशिंग भी करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो भी हम एक्टिविटी करेंगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जोर से, आराम से। जोर से, समझदार बंदा यार। सीरी लेने मैं ही जाता हूँ ना रेगुलर। हड्डी निकालो, कैसे हड्डी निकाल के फेंको। हड्डी निकाल दो, फेंक दो, खींचो खींचो यार, निकल आएगी। सख्त गोश्त है ना, सख्त होगा। हप्पी से बना इसके, या इधर घुमा इसको, ऐसे होगा, छोड़ दो नहीं होगा, सनी प्लस खत्म होगा। 5 रुपये के 10 मिलते हैं। किधर है अभी खून निकल रहा है? पानी ले आ, किधर है? ठंडा पानी ले आ। थोड़ा थोड़ा तफी को इसको मोड़ो ना, ऐसे मोड़ के तोड़ो, ऐसे दस, ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। 100 दफ़ा पहले हाथ वो धो, खून वहीं रुक जाएगा। धो लूँ ना मैं पहले? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, खून पकड़ेगा ना। दबा दे इसको, दबा दे, दबा उसको, दबा, गुल लेके घूम रहे। तो व्यूवर्स, आप लोगों ने देखा यहाँ पे ये बनाने में थोड़ी सी कुर्बानी दी है उंगली की, और अब लगे हुए टर्की की कुर्बानी देने में तौसीफ भाई और मीर भाई। भाई को चोरी लग गई है हमारी, अल्लाह खैर करे। चल अब शिकार हो जाएगा, कुर्बानी दे दी हम लोग। इसको लटका दे, ये कीड़े लग जाएंगे इसके ना, खाल को खाते हैं। शेख खास जान वाले दादा, चलो भाई, चलो जी, चलें जी भाई जान, ये बोलो ना। तो टर्की रेडी हो गई कुकिंग के लिए। जनाब मीर साहब कुछ कहना चाहते हैं? नहीं कुछ कहना चाहते, अभी बस इसको पकाओ फटाफट, चूहे दौड़ रहे हैं पेट में। तो व्यूवर्स, यहाँ पे और भी लोग आए हैं, आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? तो आउटिंग के लिए आए हैं, ये बताएं ये मछली यहीं से ली है या आपने शिकार की है? यहीं से ली है। खरीदी है? जी हाँ खरीदी है। तो कितने की खरीदी है? ये 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो के हिसाब से मिली? और यहाँ पे शिकार होते हैं मगर हम लोग। अच्छा पका क्या रहे हैं अभी? पका क्या रहे हैं मछली का? करो वही रखा हुआ है। ट्राई करें सिर्फ? ट्राई करो, ये रखते हैं।
मैंने चाचूर कुकड़ा हम लोग अच्छा, तो रात से आए हुए रात से आए हैं शिकार हुआ कुछ शिकार के लिए हम नहीं आए फिर हम लोग बस इधर टाइम पास करने के लिए आए हैं तो आउटिंग कर रहे हैं मजा आ रहा है माशाल्लाह बहुत अच्छा मजा तो व्यूअर्स ये है पानी का दिलकश मंजर आप लोगों को दिखा देते हैं यहाँ पे लोग नहा भी रहे हैं शिकार भी कर रहे हैं और ज़्यादातर फिशिंग करते हैं लोग काफ़ी शिकारी नज़र आ रहे हैं हमें गर्मी ज़्यादा है तो लोग पानी से हाथ में वॉश कर रहे हैं यहाँ पे कुछ शिकारी एंजॉय कर रहे हैं और फिशिंग कर रहे हैं मछलियाँ पकड़ रहे हैं तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं इन शिकारियों ने ये मछलियाँ शिकार की हैं और ये मछलियाँ इन्होंने यहाँ से पकड़ी ये मछलियाँ इन्होंने यहाँ पे शिकार किए तो यहाँ पे आने के फायदे आप लोगों को बता देता हूँ सबसे पहले तो यहाँ पे आने से एक आउटिंग हो जाती है पिकनिक जैसा एनवायरनमेंट मिल जाता है सुकून हासिल होता है दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे हम जब आते हैं तो उसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे फ्रेश एयर मिल जाती है और बिल्कुल ऑक्सीजन से भरपूर यहाँ पे एयर मिलती है पोल्यूशन से पाक क्योंकि हमारे शहरों में आपको पता है ट्रैफिक चलता है तो काफ़ी पोल्यूशन हो जाती है तो यहाँ पे आने का एक ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि पोल्यूशन से पाक फ्रेश एयर और ऑक्सीजन हमें मिलता है और इसके अलावा लोग काफ़ी इन्जॉय करते हैं तो लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पे तो अब हम अपनी टीम की तरफ चलते हैं देखते हैं उन्होंने कुकिंग कहाँ तक पहुँचा है क्या प्रोसीजर है उसके बाद हम फिशिंग की तरफ आएँगे और यहाँ पर थोड़ी सी फिशिंग करेंगे आप लोगों के साथ तो लेट्स सी आगे तक चलते हैं और देखते हैं अपनी टीम की तरफ तो व्यूअर्स यहाँ पर हम फिशिंग रॉड की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास साथ पार्टी आई है फिशिंग के लिए तो वो भी रेडी हो रही है बराबर कितना डाल लो थोड़ा सा डाला आपने बोला नहीं नहीं डालो उसमें आधा पैकेट डाल दो एक को तो यहाँ पे तौसीफ भाई कुकिंग की भी तैयारी कर रहे हैं लोग मुझे करके छोड़ नहीं है वेट देखो उसी में होगा सारा मैं ऐसे ही खा के ले रहा हूँ तो व्यूअर्स यहाँ पे ऑयल के अंदर अनियन डाल दिया गया है यानी कि प्याज और इसको ब्राउन किया जा रहा है तो तौसीफ भाई मुझे लगता है कि उनके स्किल्स थोड़े से नाकामयाब हो गए हैं तौसीफ भाई क्या हुआ कुकिंग का एक्सपीरियंस पहले मना कर दिया था और मैं लगा हुआ हूँ क्या करूँ और मीर भाई लगे हुए अशिया यही डाल रहे हैं क्या डाला मीर भाई ये मिर्चियाँ डाली हैं विटामिन है इसमें कम डालिएगा क्यों बच्चे हैं ना छोटे यहाँ पे ज़्यादा मिर्च वाले एक ही डाल दिया तो ये हैं फिशिंग हुक और इसको हम लाइन के बिल्कुल एंड पे बांधेंगे रॉड रेडी हो गई है उसमें हमने वेट लगाया है इसके अलावा व्यूअर्स यहाँ पे जो कुकिंग का प्रोसेस है वो जारी है और इसमें अब टमाटर डाले जा रहे हैं अनियन जो है वो ब्राउन हो गई है वैसे ये भी एक फ़न है कहीं आउटिंग के लिए जाते हैं तो कुकिंग खुद करते हैं वैसे तो ज़्यादातर हमारे घरों में लेडीज़ कुक कर देती हैं तो कभी आउटिंग पर जाते हैं तो खुद कुक करते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है और अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम टर्की का जो मीट मौजूद है हमारे पास उसको डाल रहे हैं हमारी जो ये पॉट है जिसमें हम कुकिंग कर रहे हैं ये छोटी पड़ गई है और हमारे पास जो मीट है टर्की का वो ज़्यादा हो गया तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा वो कपड़ा देना बेटा ये अब वो ले लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको चलाने में प्रॉब्लम हो रही है बुदा 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 बुदा
तो ये भी जलाएंगे, इंसिडेंट होते रहते हैं जब हम खुद कुकिंग करने जाते हैं तो थोड़ा सा कभी कभी ऐसा ही होता है, ख्याल नहीं करते, तो ये क्योंकि यहाँ पे स्टैंड करके सब कुछ पकाना पड़ रहा है तो थोड़ा सा पढ़ाई वो भी है और थोड़ा सा इशू हो रहा है क्योंकि ये जो पॉट है ये छोटा है और हमारे पास मीट ज़्यादा हो गया है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो अब इसमें वाटर डालेंगे ज़्यादा दो ढक्कन है इसका, ये ढक्कन तो ये कुकिंग के लिए हमने इसको छोड़ दिया है कवर करके ताकि स्टीम अंदर ही रहे और ये जल्दी जल्दी कुक होना शुरू हो जाए। दूसरी तरफ यहाँ पे हमारी जो शिखर की टीम है तो हमारे हमीद भाई इस वक्त ये आटा मछली के लिए तैयार कर रहे हैं और ये आटा इस तरह तैयार किया जाता है कि आटे को गूंद लिया जाता है, गूंदने के बाद ना सख्त हो गूंदा हुआ आटा ना नरम हो और उसके पेड़े बना के उसको उबालने के बाद फिर पानी से निकाल लिया जाता है। जब वो ठंडा हो जाता है तो ये हार्ड हो जाता है, जिस तरह अमित भाई इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। जब ये आटे में लग जाएगा तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ये कांटे को भी नहीं छोड़ेगा और पानी में घुलेगा, क्यों अमित भाई? तो यही वजह होती है कि जब ये आटा डाला जाता है तो ये उस वक्त तक कायम रहता है जब तक मछली इसको मुंह ना मारे। तो यहाँ पे रॉड पे हम ये आटा लगा रहे हैं तो इस तरीके से जब ज़्यादा हुक होते हैं इसको झब्बू कहते हैं, तो ये जो ज़्यादा हुक एक साथ बांधते हैं इसको झब्बू कहते हैं और इससे 5 से 6 होते हैं, 5 से 6 इसमें हुक्स होते हैं। तो आटा इस तरीके से इसमें लगाया जाता है, एक बॉल बना दिया जाता है, पकड़ लिया जाल। तो ये फिशिंग रॉड तैयार हो गई है और यहाँ पे ये जो हमने हुक्स लगाए हैं ये झब्बू फॉर्मेशन में लगाए हैं, यानी कि झब्बू की सूरत में लगाए हैं। 4 कांटे एक साथ होते हैं इसमें और यहाँ पे एक फ्लोर यानी कि आटे का बॉल इसमें लगाया है और आटे के बॉल के क्या तरीक़ेकार होता है, किस तरीके से तैयार होता है, हमने उसको बता दिया है। तो अब इसको हम डालेंगे पानी में। वो मिल गया तुम्हें? हाँ। तो देखते हैं व्यूवर्स, मैं आप लोगों को बताता चलूं इस जगह पे बेशुमार बटेर मौजूद हैं एक शाम के, इसके अलावा तीतर काफ़ी क्वांटिटी में मौजूद हैं, काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे खरगोश का भी शिकार करने लोग आते हैं और फिशिंग के लिए, तो आप लोगों को हम दिखा रहे हैं कि क्या पोजीशन है यहाँ पे शिकारी बैठे हुए। तो आइए पानी की तरफ चलते हैं और ये जो फिशिंग रॉड है इसको डालते हैं वाटर। तो फिशिंग रॉड किस तरीके से फेंकते हैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर इसका ये लॉक है मोटर का, इसको हम हटा देंगे, उसके बाद ये फोर्स करके इसको फिर इस तरीके से फेंकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारी लाइन जो है हमने डाल दी है वाटर में ऊपर ही है। क्या नाम है आपका अंकल? ये देखें ये निकलेगी नहीं निकलेगी, ये ग्रुप करके अंदर चली जाएगी नहीं, ये कॉर्नर पे ही होती है। बताओ जिनेश बताओ। तो व्यूअर्स आप लोगों को दिखा रहे हैं ये किनारे पे एक फिश राउंड मारने के लिए आई है, तो यहाँ पे ये टहल रही है फिश और आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से काफ़ी छोटी मछलियाँ जो हैं वो किनारे पे आती हैं, बड़ी मछलियों का बहुत कम गुजर होता है किनारे पे। तो यहाँ पे ये जो छोटी मछली है ये आपको अक्सर देखने को मिल जाती हैं। इसको छोटी कोई डोर नहीं है, सब ऐसे ही फेंको, यही कांटे फेंको, शायद ही कोने यही से उठ जाए। भाव है ना? नहीं। Thank you.
तो व्यूवर्स, आज हमने हब डैम का विज़िट किया। यहाँ हम सैर और तफरी करने आए थे और काफ़ी इन्जॉयमेंट किया। यहाँ पे खाना भी खुद पकाया, तो तौसीफ भाई कुकिंग के लिए तौसीफ भाई कुकिंग के स्किल्स में थोड़े से पीछे रह गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये पकाएंगे और हम सब मिलके खाएंगे। तो जनाब यहाँ पे शिकार करने आए थे हमारे साथ, तो इनसे भी पोजीशन पूछ लेते हैं। हमने इतने इतने बड़े दाने मारे हैं। हमारे एक साथी हैं एक मछली जुनेद 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 साहब ने माशाल्लाह से इतना बड़ा तकरीबन एक, एक एक मछली मारी है। और हमारे सबसे बड़े जो शिकारी हैं वो हैं मीर साहब। मीर साहब ने बटेर के बटेरों की ऐसी तैसी कर दी, लेकिन असल बटेर जो थे उन्होंने भी अपना एक ग्रुप बनाया और इनकी एक बड़ी कीमती शायद क्लास ले ली इनकी, क्लास ले ली, उनका मोबाइल ही उन्होंने रजर कर दिया। मीर साहब यहाँ पे, मैं थोड़ी सी कंडीशन बताता हूँ। मीर साहब यहाँ पे बटेर पकड़ रहे थे और बटेर पकड़ने का जो तरीकेकार था वो मोबाइल से फीमेल की आवाज़ रिकॉर्ड जो थी वो प्ले कर रहे थे, प्लेबैक कर रहे थे, ताकि जो बटेर मेल हैं वो आए। तो इनका मोबाइल झाड़ियों में खो गया था। जी मीर साहब कुछ कहना चाहते हैं? बस ये कहना चाहता हूँ बहुत मज़ा है शिकार में, बहुत मज़ा है पिकनिक में, बहुत मज़ा है। मैं तो यही कह रहा हूँ मज़ा है, खुद भी शिकार हो गए थे। नहीं, मैंने रखा था मोबाइल एक जगह पे, वो ढूंढ रहा हूँ दूसरे जगह पे, बटे रहे वहाँ आवाज़ खींच के लेके मेरे को दूर, कहाँ से मोबाइल रखा था वो दूसरी जगह पे ढूंढ रहा था, मैं खुद शिकार हो गया हूँ आज में। ऐसा के ले गया मोबाइल तो शिकार में आया, फिशिंग शिकार में बहुत मजा आया। काफी कोशिश करी शिकार करने की, किनारे पे बड़ी बड़ी मछलियाँ आ रही थी, लेकिन ये है कि आटे में जज्बात में जल्दी हमने तो फुल उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया हमारे और लिहाजा मायूसी हुई उनसे कि हम इतनी दूर से चल कर आए थे और उन्होंने हमारे साथ कोई भी कोऑपरेट नहीं किया। एक चेलवा आया वो इनसे सलाम दुआ करी जुनेद भाई से। और जुनेद के अलावा किसी नहीं, एक मेरे पास भी आया, वो हाँ। आधे रास्ते में भाग गया। जी तौसीफ भाई आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा फिशिंग का? बस आधे रास्ते तक वो ऊपर तक आया, उसके बाद वो कांटे से निकल गया, उसने कहा सलाम अलैकुम चला गया। तो आज मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी इन्जॉयमेंट हो गया है, काफ़ी आप लोग देख सकते हैं लोगों में जोश है, काफ़ी इन्जॉयमेंट किया है लोगों ने आज और काफ़ी इसी तरीके से मज़ा आता रहेगा, आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। आज काफ़ी मज़ा आया कुकिंग की है। तो जनाब यहाँ पे जो आज कुकिंग की है वो मेरे वालिद साहब ने, जमशेद आसमी साहब ने की है। तो तमाम लोगों से मैं पूछना हूँ कि आज तौसीफ भाई आज आपने आगे नहीं बढ़े, आपके कुकिंग स्किल्स थोड़े से कम रह गए, तो ये बताएं कि आज जो पका था खाना आज हेल्प करने में तौसीफ साहब ने बहुत हेल्प करी, हेल्प सारों ने की है, सारों ने हेल्प की है, मेहनत बहुत जबरदस्त डिश बनी, मेहनत अंकल ने की है, गोश्त काफी अच्छा, अंकल ने बहुत अच्छा पकाया, बहुत लेकिन गोश्त अंकल ने गोश्त जिबा करने में हमारे तौसीफ भाई का पूरा पूरा बनाने में मीर भाई और बनाने में मीर भाई और जमशेद साहब और हाथ कटाने में जिन्होंने उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवाया है, बात नहीं है कि उन। तो ये बताएं कि आज जो डिश बनी थी वो फाइव स्टार होटल में मिलेगी? ऐसी डिश ऐसी डिश मिलेगी? मैं नहीं समझता ऐसी डिश कभी फाइव स्टार होटल में मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। आखिरी आखिरी जो तड़का लगाया वो जमशेद साहब ने फिर एक दफा तड़का चाय बनाया, कोई अगर कुकिंग करवाना चाहे तो ये कर देंगे घर आके, चाय भी बना के देंगे। फोन नंबर भी बता दें, फोन नंबर भी बता दें, फोन नंबर भी बता दें। तो व्यूअर्स अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरीके से आप गैदरिंग बना के टर्की अपने साथ ले आके ज़िबा करके हलाल करके उसको उस तरीके से ज़िबा करके खाएं और एंजॉय करें, बटेर भी बनना चाहता है तो मीर भाई है, तौसीफ भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तौसीफ भाई बटेर भी मिलेगा और फिश के लिए जुनेद भाई भी है। तौसीफ भाई अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करें। अरे नंबर तो सबको तकरीबन पता है, बाकी फिश के लिए जुनेद भाई भी है, बहुत बड़े साइज की, इन्होंने इतने बड़े साइज की फिश पकड़ी है। तो व्यूअर्स हमारे साथ यहाँ पे दो बच्चे भी आए हैं, इनसे बात करते हैं, देखते हैं कि इन लोगों ने कितना एंजॉय किया। जी जनाब जिन्हें तो हमारे इतनी बड़ी मछली पकड़ी थी और जमशेद अंकल ने बहुत अच्छा खाना बनाया था और चाय बहुत अच्छी बनाई थी, जबरदस्त। जी जनाब हमें आप बहुत मजा आया, हमने बहुत इंजॉय किया, हमने जो फिशिंग की उसमें जुनेद भाई ने बहुत मजा करवाया बस, और अंकल ने बहुत खाना भी बहुत अच्छा बनाया था। तो व्यूअर्स ये था एक्साइटमेंट आज का और काफी यहाँ पे लोगों ने तफरी की। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।